हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेज ऑफ पोल्ट्री। तो इसका इंट्रोडक्शन और एग प्रिजर्वेशन हम कर चुके हैं। अभी आज हम करने वाले हैं कि कुछ डिजीजेज जो बर्ड्स में फैल जाती हैं और वो कैसी होती हैं, कौन उनको कॉज करता है। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है एवियन एंसेफेलोमाइलिटिस। एवियन एंसेफेलोमाइलिटिस ए शॉर्ट फॉर्म इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन होता है? वायरल इन्फेक्शन है और ये बर्ड्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को का जो रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से बर्ड्स का जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना स्लो हो जाएगा। और नॉर्मली ये किस किस के अंदर होती है? चिकन्स, टर्कीज, जापनीज क्वेल और ये फीजेंट। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं दोनों? क्वेल और फीजन ब्लैक कलर और कुछ उन पर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टर्की चिकन की तरह ही दिखते हैं बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ब्लैकिश ही होता है ये भी। और कहाँ मिलते हैं? पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकते हैं। अटैक्सिया क्या होता है? जब कोई भी बर्ड अपनी मसल्स कोऑर्डिनेशन करना बंद कर दे तो उसको हम कहते हैं अटैक्सिया। ट्रीमर कपकपाना शुरू कर देते हैं और हेड और नेक रीजन ज़्यादा इफेक्टिवली इससे ज़्यादा इफेक्टिवली ये सिम्टम शो करता है। और हेड और नेक रीजन में मतलब ये ज़्यादा फैलती है डिजीज़। इसका जो एग प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा और हैचबिलिटी टाइम पीरियड भी इसका कम हो जाता है। मोस्ट कॉमन ये किस किस के अंदर होता है? जिसकी एज 1 से 6 वीक तक हो ओनली। ऐसा एग, ऐसा चिकन जिसकी एज क्या हो 1 to 6 हो ओनली, तो उसको उसके के अंदर ये जो डिजीज़ है वो हो सकती है। ठीक है, देख लेते कि दिखता कैसा है ये। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 18 डेज का ये है एम्ब्रियो। और नॉर्मल वाला जो एम्ब्रियो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, और जो जिसको डिजीज हुई है एवियन एंसेफेलोमाइलिटिस वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो इनके बॉडी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। यू कैन इजीली चेक द पिक्चर, देख सकते हैं आप इजीली। आई होप नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। ये देखिए इसकी जो नेक है वो कैसी है और इसकी नेक कितनी वीक लग रही है। ठीक है, हेड भी इसका ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, जबकि इसका हेड जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है। ठीक है, इसका बॉडी मास जो है वो ज़्यादा है और इसका बॉडी मास भी बिल्कुल कम है। तो नॉर्मल और जो डिजीज मतलब जिसको डिजीज हुई है जो अफेक्टेड है उन दोनों में आप इजीली डिफरेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। अभी जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसको क्या कहा जाता है और ये कैसे फैलती है? नॉन इनफॉर्मली एज एवियन फ्लू इसको कहा जाता है। इनफॉर्मली मतलब कि वैसे इसको लोग बोल देते हैं बट इसका कोई भी फॉर्मली अगर इसको बोला जाए तो एवियन इन्फ्लुएंजा ही हम कहते हैं। एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू इज़ अ वेराइटी ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की ही सब टाइप होती है एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू। कॉज्ड बाय वायरसेस अडेप्टेड टू बर्ड्स, ये भी वायरल डिजीज है। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो एवियन एंसेफेलोमाइलिटिस है वो भी वायरल है और एवियन इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज होती है। द टाइप विद द ग्रेटेस्ट रिस्क इज हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ज़्यादा जो रिस्की है, हाईली पैथोजेनिक है, वो कौन सा इन्फ्लुएंजा है? HPA1। ये क्या है? हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जो ज़्यादा बड़े लेवल पे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ज़्यादा बड़े लेवल पे किसी भी बर्ड को ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है HPA1। बर्ड फ्लू इज सिमिलर टू स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू भी किसके जैसा है? स्वाइन फ्लू, डॉग फ्लू, हॉर्स फ्लू के जैसा है। एंड ह्यूमन फ्लू एज एन इलनेस कॉज बाय स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा। और हमारे अंदर ये कैसे फैलता है? जब इन्हीं एनिमल्स को हम एज अ पेट घर में रखते हैं तो इनसे हमें ये डिजीज लग सकती है। इन्फ्लुएंजा वायरस दैट हैव अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक होस्ट। जो भी ये इन्फ्लुएंजा वायरस है
ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके अंदर भी ये होगा वो उसके लिए स्पेसिफिक होस्ट है। आउट ऑफ थ्री टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा के हैं तीन टाइप बताई गई हैं, ए बी और सी। अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंजा है जो कि हमारे लिए ज़्यादा डेंजर हो सकता है? ए बी और सी, कितने तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस दिए गए हैं? ए बी और सी थ्री टाइप्स के हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज जूनोटिक, मतलब ज़्यादातर यही फैलता है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। इन्फेक्शन से ज़्यादा फैलता है किससे, ए वायरस से। और न्यूरल सॉरी नेचुरल जो उनका रिजर्वायर है ऑलमोस्ट एंटायरली इन बर्ड्स, उनका जो नेचुरल रिजर्वायर है जहाँ वो रहते हैं बर्ड्स जितने भी, उन सभी का जो नेचुरल एरिया है जहाँ वो रहते हैं वो एंटायरली क्या है, बर्ड से रिलेटेड है। मतलब ये जो डिजीज है वो ज़्यादातर बर्ड्स को ही होती है। जो ए टाइप डिजीज है इन्फ्लुएंजा ए, ये ज़्यादातर बर्ड्स में ही फैलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा फॉर मोस्ट पर्पज रेफर टू द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अब ये जो इन्फ्लुएंजा है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, या इसके वजह से ज़्यादातर कौन सी डिजीज़ होती है इन्फ्लुएंजा ए वायरस? इट इज़ हाईली कॉन्टाजियस, ज़्यादा डेंजरस है ये वायरल इन्फेक्शन विच में कोज अप 100% मोर्टिलिटी। 100% मोर्टिलिटी मतलब अगर ये वायरस किसी भी बर्ड की बॉडी में एंटर कर जाए तो उसकी 100% मोर्टिलिटी, मतलब 100% डेथ होगी इन डोमेस्टिक चिकन और टर्की। एवियन इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट ऑफन स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन, हेल्दी बर्ड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट ऑफन स्प्रेड, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है? कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी बर्ड्स। अगर हेल्दी बर्ड्स के साथ इन्फेक्टेड जो बर्ड्स हैं वो भी आके बैठते हैं तो हेल्दी बर्ड में भी ये वायरस फैल जाएगा। दो कैन ऑल्सो बी स्प्रेड इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट, या हो सकता है उस एरिया में जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म में जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और वहाँ जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, अगर उन इक्विपमेंट्स में कोई भी वायरस लगा है और अगर वो जो वायरस है वो किसी भी अनहेल्दी सॉरी हेल्दी की बॉडी में एंटर कर जाए तो उसको भी डिजीज हो सकती है। क्या कहा है, इन्फेक्टेड और हेल्दी बर्ड्स को अगर एक साथ रखेंगे तो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। तो वायरस इज फाउंड इन सिक्रेशन फ्रॉम द नोस्ट्रिल। अब ये जो वायरस है ये मिला कहाँ पे हमें, नोस्ट्रिल में, माउथ में होता है, हमारे आईज में होता है। ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड इज इक्विपमेंट, नोस्ट्रिल माउथ और आईज किसकी, तीनों बर्ड्स की, ठीक है, बर्ड्स की आईज, बर्ड्स का माउथ और बर्ड्स के नोस्ट्रिल, उन तीनों में वायरस हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी, नॉर्मल काम नहीं कर पाएगी। इन्फेक्टेड बर्ड जो है वो भी क्या करते हैं, एज वेल एज देयर ड्रॉपिंग, मतलब वो भी इन्फेक्टेड बर्ड्स एज वेल एज देयर ड्रूपिंग। तो आईज ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स एज वेल एज देयर ड्रूपिंग, जो भी उनके आगे जो उनके आगे जनरेशन होती है तो इन सभी में नोस्ट्रल माउथ और आईज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हाईली पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा ए वायरस, सब टाइप क्या है इसकी, H5N1, मतलब एक वायरस है और उसी के आगे फिर सब टाइप है, ठीक है, सब टाइप है। तो वो जो सब टाइप है वो क्या है, H5N1 इज एन इमर्जिंग एवियन इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, ये भी एक इन्फ्लुएंजा ही है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि कोज करता है ग्लोबल लेवल पे कंसर्न एज ए पोटेंशियल पेंडेमिक थ्रेट। इट इज ऑफन रेफर टू सिमिलरली बर्ड फ्लू के जैसा ही एवियन फ्लू भी होता है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, इवन दो इट इज ओनली वन ऑफ द मेनी सब टाइप। पीपल हु डो नॉट रेगुलरली कम इन टू कॉन्टेक्ट विद बर्ड्स, अब ये डिजीज किसको नहीं होगी, चांसेस किसको है जिसमें डिजीज होगी, जो ज़्यादातर बर्ड्स के साथ रहेगा, किसको नहीं होगी, जिसमें कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है बर्ड के साथ। अब जिसको कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है उनको कोई रिस्क नहीं होगा ये डिजीज होने का, लेकिन जिनको रिस्क है जो वहाँ पर काम करते हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, ठीक है, या जो वहाँ पर एनिमल्स को कंट्रोल करने वाले वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे बायोलॉजिस्ट है जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो ये सभी
क्या करते हैं, अगर फार्म हाउस में वहीं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स के लिए स्टडी करते हैं, तो ये सभी वो किसी भी फार्म हाउस में जैसे वर्क कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर कॉन्टेक्ट में आते हैं एनिमल्स की। अब जो कोई भी पर्सन जो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहेगा एनिमल्स की, तो उन्हीं को डिजीज़ होगी ना, उन्हीं को ज़्यादा चांसेस है डिजीज होने का। टू हैंडल लाइव बर्ड्स, जो लाइव बर्ड्स को हैंडल करें, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन विद हाई रिस्क वर्कर शुड हैव एन एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स प्लान। अब जितने जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको क्या करना होता है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन विद हाई रिस्क वर्कर, जो ज़्यादा मतलब रिस्क लेते हैं ऐसे वर्कर, शुड हैव एन एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स प्लान। तो उनको पहले से एक प्लान बना लेना चाहिए कि किस तरीके से उनको क्या करना है और कैसे उनको उस बर्ड से डील करना है बिफोर एनी केस हैव बिन डिस्कवर्ड। उस जब जब तक वो बीमार होगा तब तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बर्ड अगर बीमार होता है तो उससे वो इन्फेक्शन किसी इंसान को ना लग जाए, उससे पहले ही वहाँ जो वर्कर होते हैं उससे पहले ही कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा को। और शुड हैव एन एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स प्लान इन प्लेस बिफोर एनी केस हैव बिन डिस्कवर्ड, मतलब अगर कोई केस मिले हमें किसी भी बर्ड में, तो उससे पहले ही हमें प्लान आउट कर लेना है कि कैसे हमें डील करना है। और बायो सिक्योरिटी ऑफ पोल्ट्री फ्लॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे और कोई भी किसी भी तरह की डिजीज ना फैले बर्ड्स में, तो बायो सिक्योरिटी ऑफ पोल्ट्री फ्लॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ध्यान से उनको हम रखते हैं, सारी चीज़ें उनको टाइम से मिल रही होती है, तो उनका जो एग होगा वो भी हेल्दी होगा, ठीक है। और अगर एग हेल्दी होगा तो हमें भी उनसे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फ्लॉक शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड बर्ड। तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं वो कहाँ से ले जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं आइसोलेट आउटसाइड बर्ड से, स्पेशली वाइल्ड बर्ड्स एंड देयर वेस्ट व्हीकल यूज्ड अराउंड द फ्लॉक्स शुड बी रेगुलरली डिसइंफेक्टेड। जो डेली बनता है ना वाइल्ड एनिमल्स की बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो व्हीकल वगैरह जो पोल्यूशन निकलता है, या जिस जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रेगुलरली डिसइंफेक्ट, मतलब रेगुलरली हमें उनको डाल देना चाहिए बाहर, बाहर मतलब जो डस्टबिन होता है उसके अंदर, ठीक है, घर के बाहर नहीं बोल रही मैं कि सड़क पे डाल दो, डस्टबिन में जो बाहर डस्टबिन लगे होते हैं उसमें हम इसको वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर सकते हैं। शुड बी रेगुलर डिसइंफेक्ट, और डालने से पहले उसको डिसइन्फेक्ट भी करना होता है, मीन्स उसमें कोई भी वायरस कोई बैक्टीरिया है जो एयर के कॉन्टेक्ट में आके दूसरे लोगों तक ना फैल जाए, तो सबसे पहले उसको डिकम्पोज करना है, ठीक है, वो जो वायरस है या जो उनकी वेस्ट मटेरियल है बर्ड्स का उसमें डिसइन्फेक्शन करना है, ताकि वो वायरस किसी और को ना किसी और के बॉडी में ना चला जाए। तो डिसइन्फेक्ट करके हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है फार्म को, और बर्ड्स फ्रॉम स्लॉटर चैनल शुड नॉट बी रिटर्न टू द फार्म। तो जो स्लॉटर चैनल्स होते हैं जहाँ पे जैसे सुअर वगैरह जो रखे जाते हैं, तो शुड नॉट बी रिटर्न टू द फार्म बर्ड्स हैं फ्रॉम स्लॉटर चैनल। अब अगर ये जो बर्ड्स हैं ये एक बार अगर इन कोई डिजीज इनमें हो जाती है, तो इनको फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि किसी को भी डिजीज ना हो, ठीक है, किसी भी वर्कर को डिजीज ना हो, या किसी कोई भी हमारे साथ काम कर रहा है किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो डिजीज़ है वो लगती कहाँ से है, बर्ड से, जो ये चिक्स होते हैं, हैं कोक है, इनसे डिजीज लगती है। तो इनसे अपनी बॉडी को बचा के रखना है, अगर इनके कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आएंगे तो डिजीज़ हमें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है वो देख लेते हैं एक बार, एवियन इंटेस्टिनल स्पायरोपिटी, देखिए स्वेलिंग हो जाती है हेड और नेक रीजन में, और ये नेजल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, कफिंग होना स्टार्ट हो गया, इसका पर्पल कलर स्टार्ट होना शुरू हो गया है, और पर्पल इसके डायग्नोसिस हो गई है इसके पैरों की, ठीक है। तो जब ये सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं तब हम कहते हैं डिजीज हो गई है, और डिजीज का नाम क्या है, डिजीज का नाम क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि इसके जैसी है,
स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू के जैसी है, और डॉग फ्लू, हॉर्स फ्लू, इनके जैसी भी है। तो आज हमने दो डिजीज कवर की है, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो डिजीज है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।